नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज बायस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। बिहार बंद के समर्थन में छात्र पटना के डाक बंगला चौराहे पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहां पे विधि व्यवस्था में तैनात बीएमपी 10 का एक जवान अचानक बेहोश हो गया, वह सड़क किनारे गिर पड़ा। आनन फानन में प्रदर्शनकारी और पुलिस के जवानों ने उसे पेट्रोलिंग वाहन से पीएमसीएच पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। तो आपको बता दें, लगातार एनटीपीसी आरआरबी के अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए फोन लाइन पे हमारे सहयोगी शक्ति जुड़ चुके हैं। शक्ति, प्रदर्शन के दौरान रोकने के लिए जो बीएमपी का जवान घायल हो रहा था, उसकी स्थिति कैसी है? वो बेहोश होकर गिर गया था। आपको बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी के अभ्यर्थी आज जो बिहार बंद का आह्वान किए हैं और उसी को लेकर जगह जगह से प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार छात्र संगठन के लोग भी उनके समर्थन में हैं और कई राजनीतिक पार्टियां भी उनके समर्थन में सड़क पे उतरी है, और जिसको लेकर प्रशासन की ओर से भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और डाक बंगला चौराहे पे विधि व्यवस्था में तैनात एक बीएमपी 10 का जवान अचानक गश्ती खाकर गिर गया। प्रदर्शनकारी की मदद से उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि लगातार एनटीपीसी आरआरबी के अभ्यर्थियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में अनियमितता, लगातार ये लोग विरोध प्रदर्शन पे हैं। और इसी खबर पे अधिक बातचीत के लिए फोन लाइन पे पटना से हमारे सहयोगी शक्ति जुड़ चुके हैं। शक्ति, विधि व्यवस्था में तैनात बीएमपी 10 का जवान बेहोश हो गया था, अभी उसकी स्थिति कैसी है? जी आरती, आपको बता दें कि जो बंद समर्थक हैं वो उनका जो है लगातार पटना के डाकोला चौराहा को पिछले 1.5-2 घंटों से उन्होंने जाम कर रखा है। लगातार जो है बंद समर्थक जो है वो बैठे हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ देर पहले जो है बंद समर्थकों ने डाकोला चौराहा पे कुछ दुकानों को जो है बंद करने की कोशिश की थी, उसके बाद जो है बंद समर्थकों और पुलिस के बीच में हाथापाई भी हो गई थी। उसके बाद जो है लगातार जो है पुलिस जो है वो बंद समर्थकों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। उस दौरान जो है काफी संख्या बंद समर्थक जो है वो डाकोला चौराहा पे मौजूद थे, उन्होंने जबरदस्ती जो है वो पुलिस के हाथों से जो है समर्थकों को छुड़ा कर ले गई। और लगातार जो है बंद समर्थक जो है वो अभी भी जो है डाकोला चौराहा पे जमे हुए हैं और यातायात जो है पूरी तरह से जो है वो ठप है। जी आरती, शक्ति, जो बीएमपी 10 का जवान बेहोश हो गया था, उसकी स्थिति अभी कैसी है? पुलिस प्रशासन ने जो है पुलिस इकाई से अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है और वहाँ जो है डॉक्टर उसकी निगरानी कर रहे हैं। फिलहाल जो उसकी स्थिति है वो सही ठीक है, जो है ठीक स्थिति में है और उसके डॉक्टर जो है उसका इलाज कर रहे हैं। आपको बता दें कि हमने इसको लेकर पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, तो उनका कहना था कि जो गर्मी के कारण जो है ये जो लगातार जो है वो जो है ठंड और के कारण और जो है वो जो पुलिस जवान था उसको चक्कर आ गई थी किसी कारण से, और उसके बाद जो है उसको तत्काल जो है तुरंत जो है यहाँ से लेकर अस्पताल में भेज दिया गया है, जहाँ उसकी इलाज जो है की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति तमाम जानकारियों के लिए। तुम आपको बता दें कि आरआरबी और एनटीपीसी ग्रुप डी के रिजल्ट में अनियमितता का आरोप लगाकर, आपको बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी के अभ्यर्थी धरने पे हैं और छात्र संगठन और कई राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन उन्हें मिल रहा है और लगातार छात्र संगठन के लोग और अभ्यर्थी सड़क पे उतरे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तबियत नहीं खराब था, ठीक था। तो कैसे किया वो? अभी बैक हो गया जी, एक बैक हो गया। ब्लीडिंग हो रही है सर? ब्लीडिंग हो रही है। बीएमपी जवान गिर गए थे? बीएमपी जवान है। हाँ, बीएमपी के 10 के हॉस्पिटल में ले गए।